ग्वालियर में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विपक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने कितने विकास कार्य किए हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान संभालने का आह्वान किया। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जारी है। इसी क्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद विवेक नारायण सेजवलकर और गृह मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर भीतरवार भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष कांग्रेस पर जमकर हमला किया। वही भाजपा कार्यकर्ताओं को नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरने की अपील की। अपन कार्यकर्ता बैठा है यहाँ पे बैठा हुआ बैठा हुआ क्या उसने दस सूत्र लिए थे वो कोई 10-5 ऐसे बता सकता हूँ मेरी 5 सूत्र लिए आप उदाहरण है आपकी निश्चित रूप से पार्टी से अपेक्षाएं होती है होना भी चाहिए, आपकी सरकार से अपेक्षाएं होती है होना भी चाहिए, मन से हमसे अपेक्षाएं होती होना भी चाहिए, लेकिन पार्टी की थोड़ी बहुत अपेक्षा करना चरण रहती है। अगर आपका मन प्रतिनिधित्व नहीं मानो 10-12 नहीं मानो तो आप जनता को क्या बताओ, जनता को सिर्फ पता नहीं लग रहा है शासन के द्वारा आप उसी को दोहराओ लाइन कहना आ गई देखो टीवी के सारे कहने आ गई ये आप बोलोगे ये बाकी बोल रहे ये मैं बोलूंगा ये बड़ी समस्या है।
हिंदू होता है कि दसवीं बात हो या आठवीं बात हो क्या हो तो मुसलमान का चुनाव होगा तो बाकी बात क्या करेंगे यही पहुंचे और इतना ज्यादा वोट दे दिया गली गली तो उसे कहते हैं कि राय का हम फैला तुम्हारे सामने से चले जाए सरकार मंत्री अमित शाह जी कहते हैं ताकत या तो अपने पास होनी चाहिए या अपनों के पास होनी अच्छी सरकार अपनी सरकार अपनी सरकार अच्छी सरकार इस बात को एक बार दोहरा दो अच्छी सरकार। भाजपा सम्मेलन में अमिताभ सिंह हरसी, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर, सूर्यभान सिंह पवैया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट।